आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम है वो एक एग्रीगेट सिस्टम होता है जो कि बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बनता है ठीक है जो टर्म इको है सबसे पहले उसको ए जी टेंटीन थर्टी में दिया था उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम दो टाइप के कम्पोनेट से मिलकर बना होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं और ये दो टाइप के फैक्टर्स से मिलकर बना होता है फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर लाइट रेन जबकि केमिकल फैक्टर्स में आता है एलिमेंट्स गैसेज प्रोटीन्स लिपिड्स एटसेट्रा बायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जैसे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स एंड हीट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इन सबको अभी हम वन वन लाइन में वन बाय वन पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ए बायोटिक कम्पोनेट्स के बारे में ए बायोटिक कम्पोनेट्स दो टाइप के फैक्टर्स से मिलकर बना होता है फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बायोटिक एक्टिविटीज को यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं फिजिकल फैक्टर्स के एग्जाम्पल है टेम्परेचर रेन ह्यूमिडिटी एंड लाइट अब किस तरह से ये लिविंग बींग्स की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं देखो अगर बारिश एक मॉडरेट अमाउंट में हो रही है तब तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है ठीक है प्लांट्स को भी पानी मिल रहा है ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी ईजी हो रही है एनिमल्स की लाइफ भी ईजी हो रही है अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है बाढ़ हो जाती है फ्लड आ जाते हैं है ना तो उससे क्या होता है सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं वो भी खराब हो जाती हैं, ठीक है किसी तरह की कोई क्रॉप नहीं होगी और बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा घरों में पानी घुस जाता है तो इस तरह से जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो बायोटिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं सेकेंड है केमिकल फैक्टर्स जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं ये दो टाइप के सबस्टांसिस से मिलकर बने होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांसिस एंड ऑर्गेनिक सबस्टांसिस इन ऑर्गेनिक सबस्टांसिस में आते हैं वाटर एलिमेंट्स एंड गैसेस अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं जैसे कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस जिंक कॉपर एटसेट्रा ये एलिमेंट्स में आते हैं अब गैसेस कौन सी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया अब आप कहोगे कि एलिमेंट्स में ऑक्सीजन भी है एंड गैसेज में भी ऑक्सीजन है कैसे देखो यहां पर जो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन की बात की गई है उसका सिंबल है ओ ठीक है और गैसेज में जिस ऑक्सीजन की बात की गई है उसका सिम्बल है ओ यानी कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर जो हम ऑक्सीजन गैस इन्हेल करते हैं उसको बनाया है ठीक है ओ टू उसके बाद है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इकोसिस्टम के बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं एस्टेब्लिश करते हैं ठीक है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं प्रोटीन्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स सेकेंड हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पहले हमने पढ़ा था ए कंपोनेंट्स के बारे में ठीक है तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है कि देखो जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होता ही होता है ठीक है मेनली ये देखा गया है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में न्यूट्रिएंट रिलेशंस होते हैं ठीक है इसके बेसिस पे ही बायोटिक कंपोनेंट्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है ऑटोट्रोफिक तो कंपोनेंट्स एंड हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं इनको फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स जो कंज्यूमर्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के बारे में देखो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं खुद सिंथेसाइज करते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ठीक है जो ये ग्रीन प्लांट्स एंड फोटो बैक्टीरिया है इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना प्लांट क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं ठीक है अब ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है देखो लीफ ग्रीन होती है ग्रीन लीफ है इसका मतलब ये है कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वाटर की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं एंड जो ऑक्सीजन गैस है जिसको हम इनहेल करते हैं जिसको सभी एनिमल्स इन्हेल करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में सेकेंड कंपोनेंट है हिट्रोट्रोफिक कंपोनेंट्स अब हिट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं ठीक है अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम फूड सबस्टांस सिंथेसाइज बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल कंज्यूमर्स ठीक है कंज्यूमर्स उन्हें बोलते हैं जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कंज्यूमर्स भी बोलते हैं अब जो कंज्यूमर्स हैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनमें आते हैं डियर गॉड रैबिट इंसेक्ट्स ठीक है ये क्या खाते हैं ये घास पत्ते खाते हैं ठीक है इसके अलावा ये मीट वगैरह तो नहीं खाते ये खाते हैं घास पत्ते अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं जैसे फ्रॉग है ये क्या खाता है इंसेक्ट्स खाता है बर्ड्स है वो भी इंसेक्ट्स खाते हैं लिजर्ड है ये क्या खाते हैं मॉस्किटो खाती है तो ये की? प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं अब टर्शी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने फूड के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं लार्ज फिश है वो स्मॉल फिश को खाती है जो पाइथन स्नेक है ये भी जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको खाता है लायन है ये भी क्या खाता है रैबिट को खाता है गॉड खाता है हिरन को खाता है, है ना इसके बाद हम पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में डिकम्पोजर्स क्या होते हैं देखो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं इनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई अब देखो हमारे इकोसिस्टम में हमारे एनवायरनमेंट में जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की जो या फिर जो टूटे हुए प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं ठीक है वो क्यों मिल जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं ठीक है पहुंच हमारे जो एटमोसफियर है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई भी प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल्स की डेड बॉडीज पे या जो टूटे हुए प्लांट पार्ट्स होते हैं उन पर पहुंच जाते हैं वहां जाने के बाद ये अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिससे इनकी जो डेड बॉडीज होती है वो सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाती है और मिट्टी में मिल जाती है तो डिकम्पोजर्स का, का काम क्या है कि ये एनवायरमेंट को क्लीन भी करते हैं अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इको जो इको है ये मेनली दो टाइप का होता है नेचुरल इको एंड आर्टिफिशियल इको नेचुरल इकोसिस्टम की के करेक्टरिस्टिक्स हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम नेचुरल होता है सेकंड इसमें मैन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती ये नेचुरली ही बना हुआ होता है अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये फर्दर टू टाइप का होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसमें इसको दो में डिवाइड किया गया है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम जो फ्रेश वाटर इको है इसमें क्या होता है कि वाटर है वो रनिंग होता है जैसे रिवर में एंड वाटरफॉल में ठीक है मेराइन इको में आता है सी ओशियन टेरेस्ट्रियल इको जो टेरेस्ट्रियल इको है इसमें तीन इकोसिस्टम देखे गए हैं जैसे ग्रासलैंड फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इको इसके बाद है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया होता है इसके एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल लैंड एंड एक्वेरियम अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम फर्स्ट है इकोसिस्टम के बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेट अर्थ पर इक्विलेरियम मेंटेन करके रखते हैं दोनों कम्पोनेंट्स में कोई भी कम्पोनेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो जो ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी सेकेंड है इको सिस्टम हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे देखो जो ए बायोटिक फैक्टर है जैसे सॉइल हो गया वाटर हो गया वो हेल्प करते हैं प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो क्या होगा प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी थर्ड है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम इन एनर्जी फ्लो इन फूड चेन देखो क्या होता है कि प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया ए बायोटिक से ठीक है उसके बाद प्लांट्स को किसने खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खाया टर्श्री कंज्यूमर ने इससे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो फ्लो करेगी प्रोड्यूसर से लेकर टर्शरी कंज्यूमर्स तक फोर्थ है बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम आर इवॉल्व इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इसको हम एग्जांपल से देखेंगे देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है जिसको ना प्लांट्स ह्यूमन एनिमल्स कोई यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली तो क्या होता है सॉयल में बैक्टीरिया रहते हैं जो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने तो इसको प्लांट यूज कर लेते हैं ठीक है अब प्लांट्स को कौन खाता है ह्यूमस खाते हैं एनिमल्स खाते हैं तो ये जो जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स में भी पहुंच जाती है ह्यूमंस में भी पहुंच जाती है ठीक है उसके बाद क्या होता है जो डेड बॉडी होती है ह्यूमन एनिमल्स की या फिर जो एक्सक्रीटा होता है उसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया ठीक है bacteria, अब क्या होता है जो बैक्टीरिया यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर से फ्री एटमोसफियर नाइट्रोजन में तो ये क्या है ये एक साइकिलिंग प्रोसेस है फिफ्थ है जो इकोसिस्टम के ए बायोटिक कम्पोनेंट्स है प्लांट्स की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ठीक है जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं